और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे भोपाल से। अगली बड़ी खबर, जहां प्रदेश सरकार कॉलेजों में ऑनलाइन स्टडी कराने जा रही है, ऑनलाइन पढ़ाई कराएगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ही अब कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई होगी, तो इसका प्लान भी तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते अभी कॉलेजेस बंद हैं, महाविद्यालय विश्वविद्यालयों को बंद रखा गया है, जिसके बाद अब ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। आकाशवाणी और यूट्यूब की मदद से ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी, जिसकी शुरुआत आज से हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी का। आशीष जी, स्कूल में भी तमाम गाइडलाइंस का पालन करके उन्हें खोल दिया गया है, क्या कॉलेज में ये व्यवस्था लागू नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जाम्स तो कराए जा रहे हैं? देखिए जया, अनलॉक 5 के लिए आज केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाना है, और 15 अक्टूबर के बाद से कोचिंग इंस्टीट्यूट और तमाम दूसरे शिक्षण संस्थान भी खुल रहे हैं। लेकिन इसके पहले राज्य सरकार आज से ऑनलाइन जो सिस्टम है, ऑनलाइन पढ़ाई है, वो शुरू करने जा रही है कॉलेज में, क्योंकि अकादमिक सत्र शुरू होने के बाद उसका सिलेबस क्या होगा, क्या सिलेबस कब होगा, उस आधार पर किस तरह से पढ़ाई की जाएगी, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कॉलेज स्तर पर दूरदर्शन और यूट्यूब की मदद से भी ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसको किस तरह से छात्रों तक पहुंचाया जाएगा, इसकी तमाम तैयारियां चल रही है, और वो पूरी तैयारी जो है वो आज से शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में कॉलेज स्तर पर जो विद्यार्थी हैं उनकी, चूंकि फाइनल ईयर की एग्जाम करने की बात की जा रही थी, एग्जाम भी हुए, इसके बाद सेकेंड ईयर के वो स्टूडेंट जो फाइनल में आए हैं, उनके अकादमिक सत्र में, उनके लास्ट ईयर में किसी तरह की जो सिलेबस है उसको छोटा करने के बाद यदि उनको पढ़ाई में किसी तरह से समस्या आती है, तो इससे निजात पाने के लिए ये व्यवस्था शुरू की जा रही है। जया जी बने रहिएगा, आशीष जी लौटूंगी आपके पास। लेकिन छात्रों से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां आज से ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत होने जा रही है, और इसके लिए सरकार यूट्यूब और दूरदर्शन की मदद ले रही है।